हे गाइस, होप यू ऑल आर वेल एंड स्टेइंग सेफ एट योर होम। माई सेल्फ पुनीत, और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टैक फोटोग्राफी या प्रोफेशनल लेवल की प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप कैसे कर सकते हो। स्टैक फोटोग्राफी एक ट्रिक है जिसमें प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो प्रोडक्ट प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफर है मैक्सिमम टाइम पे यूज़ करते हैं। हम लोगों ने कई बार देखेंगे बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े बैनर्स जिसमें प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस होती हैं वो एच टू एच शार्प हम लोगों को दिखाई देती है। तो वो कैसे पॉसिबल है आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मुझे याद है जब मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी स्टार्ट की थी और जब मुझे पहला असाइनमेंट मिला था प्रोडक्ट फोटोग्राफी का, तो मेरे को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क लगा था प्रोडक्ट को एज टू एज शार्प शूट करने का। और एक्चुअली मैं कर ही नहीं पाया था क्योंकि उस टाइम पर मुझे स्टैक फोटोग्राफी के बारे में नॉलेज ही नहीं थी बिल्कुल भी। और अनफॉर्चुनेटली वो असाइनमेंट भी मेरा छूट गया था, और उसके अलावा जो क्लाइंट से मुझे गालियाँ मिली, दैट इज़ कॉमन है, अगर आपको नहीं आता तो आपको डेफिनेटली गालियाँ मिलती हैं। उसके बाद मैं बड़ा निराश हुआ। और जैसे हम लोगों ने बेसिकली फोटोग्राफी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बेसिक फोटोग्राफी में हम लोगों ने यही सुना है कि अगर आप अपने अपर्चर के नंबर को बढ़ा देंगे F8 और F11 तक रखेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो फोकस में हो जाएगा और इससे आपकी जो इमेज है वो शार्प आती है। बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ये रूल काम नहीं करता। कहीं हद तक काम करता है, बट मोस्ट ऑफ़ दी जो हम इमेजेस देखते हैं एज टू एज शार्प, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं और चारों तरफ से आपको इमेज फोकस में नज़र आती है, उसमें इस तरीके से काम नहीं चलता है। आपको स्टैक फोटोग्राफी ट्रिक को उसमें काम में लेना होता है। अगर आप लोगों ने पहली बार ये नाम सुना है, जैसे मैंने भी एक टाइम पर पहली बार ये नाम सुना था, उसके बाद मैंने रिसर्च करी कि कैसे ये पॉसिबल है, और ये बहुत पुरानी बात हो गई, उसके बाद मैं काफ़ी प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर फर्स्ट टाइम पर कैसे सोच रहे हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है, तो ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करने वाला है। इसके लिए हम लोगों को एक कैमरा की ज़रूरत है, एक स्टडी ट्राईपॉड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक काफ़ी अच्छा स्टडी ट्राईपॉड होना चाहिए। सेकंड, आपके पास में एक कैमरा में अगर आपके पास पिकिंग का ऑप्शन है, जैसे आजकल के जितने भी मॉडर्न कैमराज हैं उनमें सभी में पिकिंग का ऑप्शन आता है, पिकिंग का ऑप्शन है तो वेल एंड गुड है। और अगर पिकिंग का ऑप्शन नहीं भी है तो मैं आपको बता दूंगा कि पिकिंग ऑप्शन आप कैसे अपने कैमरा में ला सकते हो। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली प्रोडक्ट फोटोग्राफी को लेकर के काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। ये वीडियो बहुत शॉर्ट है तो पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, और फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, हम लोग हमारे कैमरा पे आ चुके हैं और मैं आप लोगों को सेटिंग्स बताने वाला हूँ कि आपको क्या सेटिंग्स रखनी है जब आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो, जो स्टैक फोटोग्राफी कर रहे हो अपने कैमरा के साथ में। तो जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आपके फ़ोन, आपके कैमरा में पिकिंग का ऑप्शन होना चाहिए। तो जैसे मेरे कैमरा में पिकिंग का ऑप्शन है तो मैं मेरे पिकिंग के ऑप्शन को ऑन कर लूँगा और इसको मैं वाइट की जगह रेड पे रखूँगा, ठीक है। और अगर आपके कैमरा में पिकिंग का ऑप्शन नहीं है तो आप एक सेपरेट मॉनिटर खरीद सकते हैं। जैसे मेरे पास एक मॉनिटर है फील्ड वर्ल्ड का, तो उसके अंदर मॉनिटर में ही पिकिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आपके कैमरा में पिकिंग का ऑप्शन नहीं है और अगर आप अंदाजे से कर सकते हैं तो वो भी आप ट्राई आउट करिएगा, बट अगर आपको पिकिंग का ऑप्शन चाहिए तो आप मॉनिटर सेपरेट खरीद सकते हैं। बाकी मेरे पास में सोनी अल्फा कैमरा है और इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मुझे पिकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब क्या मेरी सेटिंग्स रहेंगी, अब मैंने दो लाइट्स लगा रखी हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, ठीक है। एक ये लाइट है और एक ऊपर से लाइट आ रही है मेरे सब्जेक्ट को लिट कर रही है। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी में स्टैकिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को जो है मैनुअल फोकस कर देना है, एक बार सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है और फोकस को कर देना है मैनुअल पे, राइट। और मैं मेरे कैमरा को टाइमर पे डाल के रखूंगा, राइट। मैं मेरे कैमरा को 2 सेकंड के टाइमर पे डालता हूँ, सॉरी। मैं टाइमर का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे हाथ से जब मैं फोटो क्लिक करूँ तो कोई भी शेक ना जनरेट हो, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि हमको हमारी सेटिंग्स क्या रखनी है। तो मैं थोड़ी सी शटर स्पीड बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा एपर्चर भी मैं F4 कर लेता हूँ, राइट, ताकि मुझे ज़्यादा शॉट्स ना लेने पड़े। अगर आप 2.8 रखना चाहते हैं अपर्चर, आपके पास 2.8 का अपर्चर लेंस है तो आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आपको वहाँ पे स्टैकिंग करते समय पे इमेजेस ज़्यादा क्लिक करनी पड़ेगी। तो मैं F4 रखूँगा और मेरी शटर स्पीड 1/80 है, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं इसको 1/100 कर देता हूँ, राइट, और थोड़ा सा ISO बढ़ा देता हूँ लाइट को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मेरा जो फोकस है राइट नाउ वो कहाँ पे है। मेरे कैमरा में एक और अच्छा ऑप्शन है कि मेरे पास में फोकस मैग्नीफायर है,
राइट, इस वजह से तो मुझे पता लग रहा है कि मेरा जो कार का फ्रंट वाला हिस्सा है मेरा फर्स्ट फोकस वहां पे है। तो मैं एक इमेज क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो एक हमने क्लिक कर लिया है फर्स्ट वाले हिस्से पे। अब हम लोग ये जो सेंटर वाला हिस्सा है राइट, यहाँ पे हम लोग अपने फोकस को पुल करेंगे और यहाँ पे एक इमेज क्लिक करेंगे। तो अब मैं हल्का सा फोकस पुल करता हूँ राइट। अब आप देख रहे हैं मेरा फोकस अभी यहाँ था, अब मैं मेरा फोकस कार के शीशे पे ले आऊँगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ एक इमेज और क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक और इमेज क्लिक हो गई। अब मैं मेरा फोकस जो है वो यहाँ लेके आऊँगा इसके रूफ टॉप वाले एरिया में, यानी जो छत वाले एरिया उस पर। और ऐसे ऐसे करके मैं मल्टीपल पिक्चर क्लिक करूँगा एक सेम स्टडी एंगल के अंदर, ऊपर फिर पीछे फिर पीछे, फिर अलग अलग फोकस के ऊपर मैं मल्टीपल इमेजेस को क्लिक करूँगा राइट। अराउंड मैंने 5 से 6 इमेजेस क्लिक करी होंगी इस पर्टिकुलर पूरे कार की। और अब मैं इसे मेरे फोटोशॉप में जाके स्टैक करूँगा, जुड़ने के बाद में मेरी जो इमेज बने वो एस टू एस शार्प बन के आए। इन ऑर्डर टू स्टार्ट स्टैकिंग प्रोसेस हम लोगों को हमारे फोटोशॉप में आना है, फाइल में आना है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स आपको ऑप्शन दिखेगा। स्क्रिप्ट्स में हम लोगों को लोड फाइल इनटू स्टैक पे क्लिक करना है और फिर हम लोगों को फाइल को ब्राउज करना है। तो मेरी जो इमेजेस हैं यहाँ पे एक फोल्डर में रखी है, मैं आपको इमेजेस दिखा सकता हूँ। आप उसे सेपरेटली किसी फोल्डर में रखिएगा तो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि ढूंढने में आसानी होगी। ये मेरी इमेजेस हैं यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक, मैं ओके करता हूँ एंड देन ऑटो अलाइन सोर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो बेसिकली अगर आपकी इमेज में कोई भी शेक वेक होगा या फिर आपकी मिस अलाइन इमेजेस होंगी तो फोटोशॉप उसे ऑटोमेटिकली अलाइन कर देगा लेयर बाय लेयर। तो अब ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया है और लेयर बाय लेयर फोटोशॉप उसे अलाइन कर रहा है। तो अभी अलाइन हो गई है बट अभी तक स्टैक नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला जो एरिया है अभी वो ब्लर्ड है, ठीक है, ये वाला एरिया भी जो ब्लर्ड है। तो सबसे पहली जो इमेज है वही इस लेयर के ऊपर टॉप पे लगी हुई है। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है, आपको प्रेस करना है फर्स्ट लेयर को और शिफ्ट दबा के नीचे तक लेके आना है। तो सारी लेयर्स अभी सिलेक्ट हो गई हैं, फिर हम लोगों को एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद में यहाँ पे क्लिक करना है ऑटो ब्लेंड लेयर पे और हम लोगों को सिलेक्ट करना है इसे स्टैक इमेज पे। अगर आप पैनोरमा शूट कर रहे हो तो पैनोरमा पे सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर इमेजेस को स्टैक करना है तो इमेज स्टैक पे क्लिक कर लीजिए। साथ में यहाँ पे ये सीमलेस टोन एंड कलर इसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, साथ में इन दोनों पे आप राइट टिक लगा सकते हैं तो आपकी इमेज का और रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। अब हम ओके हिट करते हैं। तो अब जो ब्लेंडिंग का प्रोसेस है फ्रेम बाय फ्रेम अब फोटोशॉप हमारे लिए कर रहा है, हम लोगों को मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा फीचर है प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स के लिए जिन लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो देखिए ब्लेंडिंग हो रही है, अगर आपके पास ज़्यादा इमेजेस है तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगी, अगर कम इमेजेस है तो कम टाइम लगेगा आपका ब्लेंड होने में। तो अब देखिए ब्लेंड हो गया है मेरा इमेज, अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये वाला जो एरिया है वो फोकस में आ गया है, इवन ये वाला एरिया भी जो है फोकस में आ गया है। ये इमेज पूरी अब आपको फोकस में दिख रही होगी, रेस्ट है कि पीछे वाला एरिया डी फोकस है क्योंकि मैंने यहाँ की इमेज क्लिक नहीं की थी। अगर आप मैं आपको ये जस्ट ट्रायल शॉट दिखा रहा हूँ कि ऐसे ये वर्क करता है, तो आपको बहुत बारीकी से और ध्यान रख करके इमेजेस क्लिक करनी पड़ती हैं कि सारी इमेज का जो एरिया है फोकस में आ जाए। तो आप देख सकते हैं अभी प्रोडक्ट फुल फोकस में दिख रहा है, प्रॉपरली पूरा फोकस में दिख रहा है। और मैं और जूम करूँगा तो आपको और डिटेल इसके अंदर दिख जाएगी। तो जब आप ये स्टैकिंग होती है तो इमेज की क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज बहुत सारी इमेज को मर्ज कर दिया जाता है एक साथ, इमेज और भी ज़्यादा आपको डिटेल में नज़र आती है। तो अभी मैंने कोई कलर करेक्शन नहीं किया इसके अंदर, बाकी मैं इसमें और करेक्शन करके अपनी प्रोडक्ट को और भी दिखने में लुक वाइज और अच्छा बना सकता हूँ। तो इट्स वेरी बेसिक जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे ब्लेंड होता है, कैसे स्टैक होता है इमेज। तो दैट्स इट, आपको फोटोशॉप में क्या प्रोसेस करना है यही बहुत इजी और सिंपल प्रोसेस है जो आपको फोटोशॉप में करना होता है। मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो हिट कर दीजिएगा सब्सक्राइब बटन को और
साथ में एक लाइक तो बिल्कुल बनता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे तो लाइक कर लीजिए मेरे चैनल को, फॉलो कर लीजिए मुझे चैनल पे, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब, जैसे मैंने बताया आप करना तो बनता है, साथ में मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने मॉनिटर के लिंक दिए होंगे, जिसमें मैंने बताया अगर आपके पास में पिकिंग का ऑप्शन नहीं है कैमरा में तो आप मॉनिटर खरीद करके मॉनिटर में पिकिंग का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। तो पिकिंग के लिए जो मॉनिटर है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं लिंक, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून एंड स्टे रॉक।